नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सार्टेल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सार्टेल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सार्टेल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सार्टेल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सार्टेल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सार्टेल टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सार्टेल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। सार्टेल टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के रिस्क को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का रिस्क अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और अंधापन भी हो सकता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। सार्टेल एक ब्रांड नेम है। सार्टेल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन टेलमी सार्टन होता है। सार्टेल टैबलेट 20 mg, 40 mg व 80 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सार्टेल टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सार्टेल टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में सार्टेल 20 mg टैबलेट को दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन बाद में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सार्टेल 40 mg टैबलेट या सार्टेल 80 mg टैबलेट को भी दिन में एक बार लेने की सलाह दे सकते हैं। सार्टेल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सार्टेल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सार्टेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सार्टेल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सार्टेल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में सार्टेल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, दस्त, शरीर में थकान व सुस्ती होना, ब्लड प्रेशर का ज्यादा कम होना, उदास महसूस करना, नींद आने में परेशानी होना, दिल की धड़कन का कम होना आदि साइड इफेक्ट्स सार्टेल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में सार्टेल टैबलेट की वजह से जुखाम और गले में खराश या इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सार्टेल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सार्टेल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल में करने के लिए आपको सार्टेल टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर सार्टेल टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना सार्टेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सार्टेल टैबलेट को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सार्टेल टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सार्टेल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सार्टेल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए
आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सार्टेल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।